हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टडीज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह आपसे आपके पैसे से लेकर है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पैसे से संबंधित है, और हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपने पैसे को लेकर सहारा के ऑफिसों के चक्कर काटने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारी ऑलरेडी पहले से ही नदारद है। आई मीन नहीं मिलेंगे वहाँ पर, खाली आपको चपरासी और एक दो सिक्योरिटी गार्ड ही दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त सहारा के जितने भी ऑफिस हैं उन ऑफिसों में काम धाम लगभग ना के बराबर है, और इसी वजह से वहाँ के कर्मचारी भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ख़ास तौर से मैनेजर, ब्रांच मैनेजर वगैरह। तो दोस्तों, वहाँ पर धक्का खाने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको ये जानकारी हम देने जा रहे हैं कि आपको अपने पैसे को लेकर किस तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी अर्जी को डालना है। जी हाँ दोस्तों, अपने केस को डालना है, उसके आधार पर ही आपको पैसा मिलना सुनिश्चित होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप भारी तादाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपनी अर्जियाँ डालेंगे अपने पैसे को लेकर, दोस्तों इक्का दुक्का जो अर्जियाँ डालते हैं उनके लिए भी वहाँ से फैसले आते हैं, और जब आप भारी तादाद में यहाँ पर अपनी अर्जियाँ डालेंगे तो उसका एक भूचाल सा आ जाएगा दोस्तों, पैसा मिलना अति शीघ्र सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, हम उसके संदर्भ में आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप निवेशक हैं तो आप एजेंट की जगह निवेशक लिखें, जो हम आपको ये इस वक्त एप्लीकेशन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको मानव अधिकार में अपनी निवेदन करना है। तो दोस्तों, अगर आप एजेंट हैं तो एजेंट की तरीके से आप उस अर्जी में अपनी परेशानी को लिखें, और अगर निवेशक हैं तो निवेशक की तरीके से अपनी परेशानी को लिखें। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमने जो ये रूपरेखा तैयार की है आपके आवेदनों को राष्ट्रीय मानव अधिकार में भेजने की, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी निवेदन वहाँ भेज सकते हैं। महाशय श्री, निवेदन यह है कि मैं जो भी आपका नाम है, पिताजी का जो नाम है, ग्राम पोस्ट जो भी ज़िला है का स्थानीय निवासी हूँ, मैं सहारा इंडिया परिवार के पैरा बैंकिंग विभाग में एजेंट या निवेशक के रूप में 23 वर्षों से, अगर एजेंट काम कर रहे हैं तो एजेंट अपने वर्ष लिखें, और अगर निवेशक है तो अपने निवेशक अपनी मैच्योरिटी का पूरा ब्यौरा लिखें कि मैंने फला सन में 2015 में या 14 में जिसमें भी आपने अपनी मैच्योरिटी करी है, और उसकी अवधि पूरी होने का समय सीमा लिखें, और जमा धन लिखें, और जमा धन के बाद जो आपको मिलना था ब्याज सहित भुगतान उसके बारे में ब्यौरा लिखें, और टोटल अपनी परेशानी लिखें। कंपनी द्वारा हम लोगों को जबरन दबाव बनाया जाता है कि इस भुगतान राशि को पुनर्निवेश करते समय आगे बढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आपको लिखना, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया हुआ है, भुगतान के लिए कहते हैं तो कंपनी अधिकारी हम एजेंटों पर दबाव बनाने लगते हैं, और अगर निवेशक है तो निवेशक कहे कि अगर हम भुगतान को कहते हैं तो हम लोगों का पैसा कन्वर्ट करा हुआ दिखा देते हैं, और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि कंपनी के जो इस वक्त ब्रांच मैनेजर है वो सेवी विभाग को कहते हैं कि सेवी विभाग ही आपका एम्बार्गो लगी हुई है, इस वजह से आप लोगों को भुगतान नहीं मिल पाएगा। जो भी आपके सामने कठिनाइयाँ हैं दोस्तों, वो सारी कठिनाइयाँ आप इस अपनी एप्लीकेशन में दे सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का बस एक लास्ट यही उपाय रह गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय मानव आयोग में अपनी अर्जी को डालें, ताकि सभी निवेशकों का निवारण हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये राय पसंद आई होगी, और ये अजीत द्वारा जो इस वक्त एक बड़ी पोस्ट हमारे सामने आई है, उस पोस्ट के आधार पर ही आपने अपनी राष्ट्रीय अधिकार आयोग में एप्लीकेशन डालनी है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़